हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे किचन में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ठंड के लिए स्पेशल गर्मा गर्म कम तेल में बहुत सारी सब्जियों के साथ पोहा का एकदम नया नाश्ता। साथ ही इसके साथ खाने के लिए नारियल की बहुत ही टेस्टी चटनी। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में, सुबह के नाश्ते में या फिर डिनर में बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने एक कप पोहा लिया है और इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल के एक या दो पानी अच्छे से धो लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसे अच्छे से इस तरह से मिला के और इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पोहा अच्छा सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट में पोहा सॉफ्ट हो गया है और हम इसको हाथों से ही मैश कर लेंगे और इस तरीके से पोहा आराम से सॉफ्ट हो जाने के वजह से अच्छे से मिक्स हो जाता है हाथों से। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा कप इसमें बारीक सूजी, आधा कप दही, अगर दही थोड़ी खट्टी है तो अच्छा रहेगा, और इसमें 1/4 कप मैंने पानी डाला है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सब्जी। तो 1/4 कप मटर मैंने डाला है, 1/4 कप ही बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, कद्दूकस किया हुआ गाजर और शिमला मिर्च डाला है और 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज डाला है और 1/4 कप ही बारीक कटा हुआ बीन्स डाला है। अगर इसमें से कोई भी सब्जी आपको पसंद नहीं है या आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को मैंने कूट के डाला है, आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच नमक और आधा ताज़ा कूटा हुआ मैंने इसमें काली मिर्च डाला है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कोई भी सब्जी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं या फिर आपको कोई और सब्जी पसंद है तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने टमाटर नहीं डाला है, आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सूजी फूल जाए, तब तक चटनी बनाएंगे। इसके लिए नारियल लिया है मैंने, ताज़ा नारियल है ये, और अदरक डाला है इसमें और 4 हरी मिर्च, भुना हुआ मैंने इसमें मूंगफली डाला है और ताज़ा धनिया के पत्ते डंठल के साथ मैंने इसमें डाला है और 2 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। और इन सारे चीज़ों को अच्छे से पीस के और हम अब निकाल लेंगे एक बाउल में। और मैंने नमक पीसते समय नहीं डाला था तो अभी हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। तो मुझे चटनी में नमक बाद में ऐड करना अच्छा लगता है। अब हम इसके लिए एक तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए तड़का पैन में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग डाला है और जब जीरा भून जाए तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच ये उड़द दाल है और इसको चलाते हुए दाल को अच्छा सुनहरा कलर होने तक हमें लो फ्लेम में भूनना है। अब हम इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे, 2 लाल मिर्चें मैंने तोड़ के डाले हैं और करी पत्ता को हाथों से इस तरह से तोड़ के मैंने डाला है। हमारा तड़का रेडी है। इसमें से आधा हम चटनी में डालेंगे और आधा जो बचा हुआ है तड़का वो हम पोहे के जो हमने मिश्रण बना रखा है उसमें डालेंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पोहा में अगर आप कम तेल के साथ बनाना चाहते हैं तो आप तड़का नहीं भी डाल सकते हैं, पर तड़का डाल देने से इसमें और अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये 10 मिनट हो भी गया था, हमारा पोहा का जो मिश्रण है वो अच्छे से रेडी भी हो गया है। तो हम इसमें डाल के तड़का अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इनो है, इसके जगह पे आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर तैयार हो गया है नाश्ते के लिए। तो इसे हम अप्पे पैन में बना रहे हैं। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, 1-1 चम्मच हम तवे पे डाल के इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, अप्पे पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तेल डाला था और इसमें 1-1 चम्मच हम ये मिश्रण डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम हम लो मीडियम ही रखेंगे और इसे ढक देंगे कम से कम 2 मिनट के लिए।
दो मिनट में ये अच्छे से ऊपर से पक जाता है और अच्छे से अब हम इसको हल्के हाथों से पलट लेंगे। तो बीज का हिस्सा थोड़ा जल्दी हो जाता है इसलिए मैंने सबसे पहले उसे ही पलट लिया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर से डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें कोई तेल ऊपर से अलग से नहीं डाला है। और इस तरीके से हम पलटते हुए दोनों तरफ से इसको अच्छा सुनहरा कलर आने तक इसको सेक लेंगे। तो ये 3 से 4 मिनट लगता है एक बैच रेडी होने में और बहुत ही टेस्टी बनता है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें तेल बहुत ही कम लगता है। तो ये देखिए रेडी हो गया है हमारा अप्पे, पोहे का हमारा गर्मा गर्म नाश्ता। तो इसे हम नारियल की चटनी के साथ परोस रहे हैं। ये देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है। आप भी इस रेसिपी को दोस्तों बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।